हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विंटर में खिलने वाला इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, इसका नेम येलो फ्लॉक्स है और इसको बासंती फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके फ्लावर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और यह विंटर सीजन में एक साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोपागेशन की बात करें तो हम इस प्लांट को इसका ब्रांच का एक छोटा सा कटिंग लेके लगा सकते हैं। यह कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, या फिर हम इसको इसके सोकर से भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, इसके लिए आप इसके पोटिंग मिक्स में वन पार्ट गार्डन सॉइल, वन पार्ट सैंड और वन पार्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है, तो इसीलिए आप इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाइए। अगर इसके सॉइल में पानी ठहर जाता है तो प्लांट खराब हो जाता है, और इस प्लांट में तभी पानी दीजिए जब इसका ऊपर का सॉइल ड्राई होने लगे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो इसके फंगस का अटैक हो जाता है और प्लांट खराब हो जाता है धीरे धीरे करके। और इस प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आता हो। इसी जगह पर रखने से ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होता है। तो आप इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मत दीजिए। आप इस प्लांट में महीने में एक बार इसका सॉइल को कुड़ाई करके सिर्फ कंपोस्ट डाल सकते हैं। बस उतना फर्टिलाइजर देने से भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इसके सॉइल में फर्टिलाइजर के तौर पर पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश डालने से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।